नमस्कार, आप देख रहे हैं MSS न्यूज। मैं हूं आपके साथ विष्णु राठौर। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तेज रफ्तार डंपर से कुचलकर युवती की मृत्यु। जी हां, आपको बता दें, इटावा जिला के थाना बसरियार क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर से कुचलकर युवती की दर्दनाक मौत हो गई। वही घटना से हाईवे बाधित हो गया। बसरियार कस्बा में सरद मेडिकल के सामने तेज रफ्तार से आ रहे डंपर ने 22 वर्षीय सोनी पुत्री अमर सिंह राठौर माहुली कचपुरा थाना किसनी जिला मैनपुरी की मौत हो गई। आपको यह भी बताना जरूरी है कि मृतका के भाई धर्मेंद्र ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपनी बहन के साथ में इटावा पक्का तालाब पर डॉक्टर रविंद्र यादव के यहाँ गया हुआ था। वहां से दवा लेने के बाद जैसे ही कस्बा बसरियर में आया तो पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने कट मार दिया, जिससे हमारी बहन मोटरसाइकिल से डंपर के पहियों के नीचे गिर पड़ी। इस हादसे के बाद लगभग एक घंटे तक हाईवे जाम बना रहा। मौके पर पहुंची बसरियर पुलिस ने जाम को खुलवाया। मृतका के कुचले हुए सबका पंचनामा भरकर जिला मुख्यालय भेज दिया है। इटावा से MSS न्यूज के साथ शिवांग तिवारी की रिपोर्ट।